दिल के अंदर नफरत आ गई है, दिल के अंदर ये बीमारियां आ गई हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए, हाउ कैन वी ट्रीट इट, इसको किस तरह पाक किया जाए, किस तरह साफ किया जाए, ये बोग्स, ये ग्रीड, ये लस्ट, ये प्राइड, ये एरोगेंस, ये तकब्बुर, ये गरूर, ये झूठ, ये चोरी चकारी, ये गुस्सा, ये सारी चीजें दिल की बीमारियां, कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए। फंडामेंटल क्वेश्चन, यार सुकून किस तरह पाया जाए, मेरे दिल के अंदर सुकून किस तरह है। तो मैं आपको उस मुकद्दस किताब से वो आयत मुबारका दोबारा तिलावत करके सुना देता हूँ, जिसके अंदर जिसने हमें बनाया, जिसने हमें डिज़ाइन किया। आप कंप्यूटर डिज़ाइन करते हैं तो कंप्यूटर डिज़ाइनर से पूछ लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछ लें, यार ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। भाई जिसने हमें डिज़ाइन किया, जिसने हमें प्रोग्राम किया, उसके मैनुअल कुरान से खोल के पूछ लो। तो कुरान में मेरा रब यही फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, लोगों सुन लो, तुम्हारे दिलों को सुकून सिर्फ मेरे जिक्र में मिले, सिर्फ मेरे जिक्र में मिले। जिक्र किसका कर रहे हैं? अर रहमान का जिक्र कर रहे हैं। अर रहमान कौन है? द मोस्ट मर्सीफुल। जिक्र किसका कर रहे हैं? अर रहीम का कर रहे हैं, द मोस्ट बेनिफिसेंट, मोहब्बत करने वाला, उसका जिक्र कर रहे हैं जो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, उसका जिक्र कर रहे हैं। और अल्लाह कहता है मेरा जिक्र करोगे तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा।